तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटी हेलमेंथीज के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटी हेलमेंथीज में लिखें फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज को, फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज को तीन क्लासेस में, फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज को तीन क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज को तीन क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः नंबर एक टर्बिलेरिया, जिन्हें क्रमशः नंबर एक टर्बिलेरिया, TURBELLARIA टर्बिलेरिया, नंबर दो जिन्हें क्रमशः नंबर एक टर्बिलेरिया, नंबर दो ट्रिमेटोडा, क्लास सेकंड यहां पर दी गई है ट्रिमेटोडा TREMATODA ट्रिमेटोडा, एंड क्लास थ्री सेस्टोडा CESTODA सेस्टोडा कहते हैं। तो हमने जाना कि जो फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज है इसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया बेटा, तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली जो क्लास यहां पर दी गई है वो है टर्बिलेरिया, दूसरी क्लास यहां पर दी गई है वो है ट्रिमेटोडा, और थर्ड लास्ट क्लास यहां पर दी गई सिस्टोडा। तो इन तीनों क्लासेस में स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म को यहां पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल करैक्टर अगर हम लोग देखें इसके, जो आप लोगों ने जनरल करैक्टर पीछे पढ़े हुए हैं राइट प्रीवियस क्लासेस में, तो वहां पर आपको मालूम है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनकी बॉडी पर सेगमेंट पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर सेगमेंट नहीं होते हैं, है ना, या उनका डाइजेशन कैसे है या उनका फूड फीडिंग मैकेनिज्म कैसे है, इन सभी के आधार पर इनको कितने क्लास में डिवाइड कर दिया गया, तीन क्लासेस में जो यहां पर इंक्लूड की गई, राइट। अब सबसे पहली जो क्लास यहां पर आपकी आती है वो है टर्बिलेरिया। तो इस टर्बिलेरिया में लिखना शुरू करें, हेडिंग डाल दीजिए क्लास फर्स्ट टर्बिलेरिया, क्लास फर्स्ट टर्बिलेरिया। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, वो लिख लो। पहला पॉइंट लिखें इस क्लास में मोस्ट ऑफ एनिमल्स, इस क्लास में मोस्ट ऑफ एनिमल्स मतलब अधिकतर एनिमल, इस क्लास में मोस्ट ऑफ एनिमल्स अधिकतर एनिमल्स, मोस्ट ऑफ एनिमल्स फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेंबर कुछ सदस्य पैरासाइट बोले तो परजीवी PARASITE पैरासाइट, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, पैरासाइट या सिम्बायोटिक मतलब सहजीवन, सिम्बायोटिक कहने मतलब सहजीवन, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के साथ में रह करके ये उसको लाभ प्रदान करेंगे, उससे क्या लेते हैं फूड लेते हैं, बदले में उससे फूड लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सिम्बायोटिक सहजीवन एवं कार्निवोरस एंड कार्निवोरस मतलब ये मांसाहारी होते हैं, मोस्ट ऑफ मांसाहारी कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस वॉर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, वॉर्म होते हैं। अगला पॉइंट, यह सदस्य या मेंबर
नॉन सेगमेंटेड, नॉन सेगमेंटेड बोले तो इनके अंदर सेगमेंट नहीं पाए जाते, या सदस्य नॉन सेगमेंटेड होते हैं तथा इनमें एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। दैट मींस इनमें जो आहार नाल है, आहार नाल लाइक एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, एनस, है ना, ये सारा का सारा यहां पर पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में एडहेसिव ऑर्गन स्कॉलेक्स व शकर, यानी कि जो स्कॉलेक्स यहाँ पर ये हेल्ड हो पाता है, रुक पाता है इंटेस्टाइन में, और शकर जिससे ये किसी लिक्विड फॉर्म को एब्जॉर्ब कर सकता है, फूड मटेरियल को, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिज्म में एडहेसिव ऑर्गन स्कॉलेक्स व शकर एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, होता है। अरे सर, डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि इनके अंदर लार्वल कंडीशन नहीं पाई जाएगी? हाँ भैया, इनमें लार्वा कंडीशन नहीं पाई जाएगी, लेकिन सर आप बता रहे थे कि आप जब फेशियोला पढ़ाएंगे तो उसके अंदर लार्वा बनता है, तो बहुत सारे लार्वा क्रिएट होते हैं, तो वहाँ बनता है, यहाँ पर नहीं। जो क्लास टर्बिल एरिया दिया गया है इसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स इसमें लार्वल कंडीशन नहीं पाई जाती है। तो क्या मैंने बोला, यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट टाइप का होता है, ठीक है, यानी कि इनमें लार्वल कंडीशन नहीं पाई जाती है। नई लाइन से एक लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ करके विदाउट पॉइंट, क्लास टर्बिल एरिया को फाइव ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप बस इतना याद रखें कि इन्हें पांच ऑर्डर में क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। और एग्जाम्पल बतौर अगर आप यहां पर लिखना चाहें, जो ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल बतौर लिख लीजिए प्लेनेरिया, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका आ जाएगा प्लेनेरिया, ठीक है। जो ऑर्डर दिए गए उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन देना है, इसके साथ में आपको क्या, इसका जनरल करेक्टर लिखना है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के बिहाफ पर अगर हम लोग देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटी हेलमेंथी जो मैं लिखा रहा हूँ ये पर्याप्त है आपको एग्जाम में एक अच्छी मार्किंग लाने के लिए। तो लास्ट में आप क्या लिख दें, इन्हें फाइव ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया, दैट मीन्स क्लास को जिसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो लिख लो। तो आपका एक हो गया प्लेनेरिया, कॉमा ऑप्टोप्लेना, OPTOPLANA, ऑप्टोप्लेना, ठीक है। और लिख लो नोटोप्लेना, NOTOPLANA, नोटोप्लेना, आदि ETC आदि, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास आती है, क्लास ट्रिमेटोडा, इसके बारे में देख लीजिए, क्लास ट्रिमेटोडा के बारे में। तो हेडिंग रख दीजिए क्लास ट्रिमेटोडा, और इसमें लिखे हैं यह सदस्य एक्टो एंड एंडो पैरासाइट, यह सदस्य एक्टो एंड एंडो
पैरासाइट पैरासाइट के रूप में होते हैं, के फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जितने भी सदस्य यहाँ पर रखे गए हैं क्लास ट्रिमेटोडा के अंतर्गत, इस क्लास ट्रिमेटोडा के अंतर्गत जितने भी सदस्य आते हैं, या तो वो एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं बाहर रूप से, ठीक है, अपने फूड को फीड करेंगे बाहरी, दैट मीन्स स्किन से, स्किन के थ्रू या किसी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड द बॉडी। और एंडोपैरासाइट कहना है मतलब बॉडी के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं, लाइक अलग स्पीसीज, जो स्पीसीज बाहर से अपना फूड ले रही है, बाहर पाई जा रही है, वो स्पीसीज अंदर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये बाह्य परजीवी भी होते हैं और अंतः परजीवी भी कहे जाते हैं, ठीक है, फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड मतलब खंडयुक्त नहीं होगी, खंड विहीन, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड कॉमा लॉन्ग लंबी होगी, कॉमा लॉन्ग, कॉमा ओवल शेप, ओवल शेप अंडाकार होती है, अंडाकार होती है। अगला पॉइंट लिख लें, इनमें एलिमेंट्री कैनाल, इनमें एलिमेंट्री कैनाल दैट मीन्स आहार नाल पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लें, इनमें एपिडर्मिस, इनमें एपिडर्मिस नॉन सीलिएटेड फॉर्म में होती है, एपिडर्मिस आर द नॉन सीलिएटेड। एपिडर्मिस क्या है, इसकी बाह्य त्वचा यानी स्किन के ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है, आउटर मोस्ट लेयर आर कॉल्ड एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर सीलिया नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखा, इनमें एपिडर्मिस नॉन सीलिएटेड होती है, नॉन सीलिएटेड होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लें, इनमें सकर्स, इनमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्कॉलेक्स, लेकिन स्कॉलेक्स एब्सेंट होते हैं, इनमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्कॉलेक्स एब्सेंट होते हैं। बिल्कुल रियल है, सही बात है। यहां पर क्लास टर्बिलेरिया की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एडहेसिव ऑर्गन नहीं पाया जाता है, क्लास टर्बिलेरिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें एडहेसिव ऑर्गन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये बाहर रूप से अपने फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं इजीली तरीके से। लेकिन हम लोग ट्रिमेटोडा की बात करें तो ट्रिमेटोडा जो क्लास है इसके अंदर आपको जो एडहेसिव ऑर्गन है वो सकर तो मिलेगा लेकिन स्कॉलेक्स नहीं मिलता, दैट मीन्स चूसक अंग तो यहाँ पर पाए जा रहे हैं लेकिन स्कॉलेक्स जिससे ये अटैच हो पाए किसी की बॉडी पर वो यहाँ पर नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सकर्स आर प्रेजेंट एंड स्कॉलेक्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन्हें फ्लूक्स, FLUKES, इन्हें फ्लूक्स वॉर्म, इन्हें फ्लूक वॉर्म कहते हैं, इन्हें फ्लूक वॉर्म, फ्लूक्स वॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, दैट मीन्स यहां पर लार्वल स्टेज बेटा क्या होगी, प्रेजेंट होगी, इनमें लार्वा पाया जाएगा, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, दैट मीन्स में लार्वल स्टेज पाई जाती है। नई लाइन से स्टार बना करके एक पॉइंट लिख लो या एक लाइन छोड़ करके लिख लो, क्लास ट्रिमेटोडा को, क्लास ट्रिमेटोडा को तीन ऑर्डर, क्लास ट्रिमेटोडा को थ्री ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है,
क्लास ट्रिमेटोडा को तीन ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है। अब यहां पर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल में आप लिख लीजिए पॉलीस्टोमम एक ऑर्गेनिज्म यहां पर पाया जाता है, ठीक है, और आपका यहां पर मिलेगा एस्पिडोगैस्टर, ASPIDO एस्पिडोगैस्टर, GES एस्पिडोगैस्टर, GASTER एस्पिडोगैस्टर, और एक और लिख लीजिए फैशियोला हिपेटिका, ये आपको पढ़ना भी है। तो फैशियोला हिपेटिका कहाँ रखा गया है, ट्रिमेटोडा में रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो फैशियोला के बारे में यहां पर आपको पढ़ना है, FACIOLA फैशियोला, और इसकी स्पीसीज जो हम लोग यहां पर देखेंगे वो है हिपेटिका फैशियोला, FASCIOLA फैशियोला हिपेटिका, ये आपका कहां रखा गया है, क्लास ट्रिमेटोडा में। चलिए इसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास आपकी आती है कौन सी, सिस्टोडा। नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी है, सिस्टोडा। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लास सिस्टोडा, क्लास सिस्टोडा में लिखें इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य, इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य कंप्लीटली एंडोपैरासाइट होते हैं, कंप्लीटली एंडो पैरासाइट यानी कि अंतः परजीवी, ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह करके अपने फूड को ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है, एंडो पैरासाइट होते हैं। कंप्लीटली कैसे होते हैं बेटा, एंडो पैरासाइट होते हैं। अगला पॉइंट, इनकी बॉडी सेगमेंटेड, इनकी बॉडी सेगमेंटेड कॉमा फ्लैट मतलब चपटी, इनकी बॉडी सेगमेंटेड कॉमा फ्लैट कॉमा लॉन्ग लंबी LONG लॉन्ग कॉमा रिबन लाइक रबड़ के समान, लॉन्ग कॉमा रिबन लाइक प्रोग्लॉटिड से प्रोड्यूस होती है, प्रोग्लॉटिड याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, प्रोग्लॉटिड्स से प्रोड्यूस होती है, प्रोग्लॉटिड्स से प्रोड्यूस होती है। अगला पॉइंट लिखें, इनमें स्कोलेक्स व सकर, इनमें स्कोलेक्स व सकर्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों पाए जाते हैं, इसमें स्कोलेक्स व सकर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इन्हें कॉमनली सामान्य भाषा में इन्हें कॉमनली टैप वॉर्म TAP टैप वॉर्म चपटे क्रमी टैप वॉर्म चपटे क्रमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में पटेरी कहते हैं हम लोग। तो पटेरी जो है वो क्लास स्टोडा में रखा गया है, दैट मीन्स प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी मतलब यहां पर लिखा फ्लैट से हेलमेंथिस है, ठीक है, ये एक फ्लैट वॉर्म है प्लेटी हेलमेंथिस, कॉमनली टैप वॉर्म के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट लिख लो, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होता है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास पढ़ी, क्लास कौन सी थी वो हमारी ट्रिमेटोडा, क्लास ट्रिमेटोडा और क्लास सिस्टोडा के कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो एंडोपैरासाइट तो हैं, यह हैं, इसके साथ साथ इनका जो लाइफ साइकिल आप देखेंगे, इनके लाइफ साइकिल की जब हम लोग बात करेंगे
तो इनका लाइफ साइकिल के लिए दो होस्ट की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इनके लाइफ साइकिल के लिए दो होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर हम लोग क्लास ट्रिमेटोडा के एक सदस्य की बात करते हैं जिसका नाम है फेशियोला, तो फेशियोला का जो प्राइमरी होस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीप बोलते हैं, शीप भेड़। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो स्नेल होता है, पाइला, ठीक है, जो वाटर में पाया जाता है। तो ये वहाँ से क्या होता है, भेड़ के अंदर आता है, और भेड़ जब अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालती है तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वाटर के थ्रू कहाँ चला जाता है, तालाबों में चला जाता है, झीलों में चला जाता है, जहाँ पर स्नेल पाया जाता है, और स्नेल के इंटेस्टाइन में वो जा करके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो पाइला इसका क्या है, सेकेंडरी होस्ट है, और अगर हम लोग शीप की बात करें तो इसका प्राइमरी होस्ट है। ठीक है, इसको हम लोग लिवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम लोग टीनिया सोलियम की बात करें तो टीनिया सोलियम में जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो पीआईजी होता है। प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, पीआईजी, दैट मीन्स पिग होता है। लाइक टीनिया सोलियम की बात करें, और अगर हम लोग टीनिया सेजिनेटा की बात करें तो टीनिया सेजिनेटा का जो प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमन ही होता है, लेकिन सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो कैटल होता है। ठीक है, जो भैंस होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कैटल्स होते हैं। तो डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टाइप का होता है, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, दैट मीन्स लार्वल कंडीशन आर प्रेजेंट, यहाँ पर लार्वा पाया जाएगा। ठीक है, चलो अब एक नई लाइन से लिखिए बिना पॉइंट के, क्लास सिस्टोडा को, यानी कि जो क्लास सिस्टोडा है इसको दो सब क्लासेस में, क्लास सिस्टोडा को टू सब क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, टू सब क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः नंबर एक सब क्लास सेस्टोडेरिया, सब क्लास सेस्टोडेरिया, सेस्टोडेरिया, CESTODARIA, सेस्टोडेरिया, तथा नंबर दो सब क्लास यूसेस्टोडा, सब क्लास यूसेस्टोडा, EUCESTODA, यूसेस्टोडा कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए, सब क्लास सेस्टोडेरिया, सब क्लास सेस्टोडेरिया। तो सब क्लास सेस्टोडेरिया में पहला पॉइंट लिख लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिख लें, इनमें स्कोलेक्स एंड एलिमेंट्री कैनाल, इसमें खास बात क्या है कि इनमें स्कोलेक्स एंड एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है, इनमें स्कोलेक्स और एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, इसका खास बात है। दूसरी खास बात क्या है कि इनका जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होता है, बॉडी अनसेगमेंटेड, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड, खंड विहीन होती है। और इनमें हम लोग अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक सेट पाया जाता है, वो अलग बात है। चलिए नई लाइन से लिख लो, एक लाइन छोड़ करके नई लाइन से लिखें, सब क्लास सेस्टोडेरिया को मुख्यतः दो ऑर्डर में, मेनली टू ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है, मुख्यतः दो ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें डेफिनेटली वही एग्जांपल लिख लीजिए, पहला एग्जांपल आपको यहां पर लिखना है एम्फीलाइना, फॉर एग्जांपल एम्फीलाइना, एम्फीलाइना कॉमा गायरोकोटिलस
GYROCOTYLUS, गायरोकोटिलस। तो ये दो बेटा यहां पर आपके क्या है एग्जांपल इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि जो एम्फिल आइना है ये पहले ऑर्डर में रखा गया है, गायरोकोटिलस दूसरे ऑर्डर में रखा गया। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ यहां पर इतना पता होना चाहिए कि सब क्लास सिस्टोडेरिया को दो ऑर्डर में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, बस। ठीक है, इसके बाद में हेडिंग डाल दो सब क्लास यू सिस्टोडा, क्योंकि आप सब कुछ अगर याद, क्योंकि सब कुछ याद नहीं होगा, ठीक है, तो हम मेन मेन पॉइंट्स निकाल लेते जो आपको रिमाइंड रहे, याद रहे। तो सब क्लास सिस्टोडेरिया सेकेंड लिखें इसमें, इनकी बॉडी, अगर हम इनके बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी स्कॉलेक्स, इनकी बॉडी स्कॉलेक्स कॉमा नेक ग्रीवा, इनमें नेक भी पाई जा रही है, इससे पहले जो भी ऑर्गेनिज्म आप पढ़ेंगे वहां पर नेक आपको देखने को नहीं मिल रही, लेकिन सब क्लास यूसिस्टोडा में आपको नेक मिल रही है, डिवाइड रहती है, इसमें स्कॉलेक्स कॉमा नेक, नेक मतलब ग्रीवा, तथा स्ट्रोबिला STROBILLA स्ट्रोबिला में डिवाइड रहती है, इनकी बॉडी स्कॉलेक्स कॉमा नेक तथा स्ट्रोबिला में डिवाइड रहती है। अगला पॉइंट, इनके स्कॉलेक्स में सकर्स, इनके स्कॉलेक्स में सकर्स प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, इनके स्कॉलेक्स में सकर्स पाए जाते हैं। नई लाइन से एक लाइन छोड़ करके लिखें बेटा, सब क्लास यू सेस्टोडा को छह ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है, सब क्लास यू सेस्टोडा को सिक्स ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है, सब क्लास यू सेस्टोडा को छह ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे यहां पर लिख लें जो पढ़ने योग्य है वही मैं यहां पर बोलूंगा, जैसे लिख लीजिए टीनिया सोलियम या टीनिया सैजिनेटा, इसकी स्पीसीज हमको पढ़नी रहती है, और लिख लीजिए इकाइनोकोस, इसको हम लोग पढ़ते हैं इकाइनोकोस, आदि टीनिया इकाइनोकोस आदि, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन ये दो अच्छे लग रहे हैं, अच्छे कहने का मतलब समझ में आ रहे हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। एक तो टीनिया आपका इसमें पाया जाता है सब क्लास यूसिस्टोडा में, ठीक है, और इकाइनोकोकस या इकाइनोकोस भी यहाँ पर पाया जाता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये दो मस्ट हैं, कॉमन हैं, जो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास प्लेटीहेलमिंथेस फिनिश होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैशियोला हिपेटिका के ऊपर, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक हमारा इसमें रहेगा फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस का, पहला जो ऑर्गेनिज्म हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है फैशियोला हिपेटिका, जिसे हम लोग शीप लिवर फ्लूक भी कहते हैं, शीप लिवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये भेड़ की यकृत या लिवर में पाया जाता है, वहाँ पर ये फीड करता है, खाता है, पीता है, करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कल।